इतनी मेहनत मेरी ऐसी गई थी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। फोर्थ वालों को मैंने पर्यावरण का लेसन, फिफ्थ है स्मृति दूरिया, ये हमने उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था, बाकी हम आज करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन कम दूरी और अधिक दूरी दोनों के लिए बहुत सुविधाजनक और समय बचाने वाला क्या है ये साधन, यानी कि सड़क पर चलने वाले साधन है। बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, ये ट्रक सब क्या है, सड़क पर दौड़ते हैं। यह कच्चे माल को सीधे क्या है, कारखाने के दरवाजे तक और तैयार माल को सीधे बाजार तक ले जाते हैं। ताज़े फल, सब्जियां, दूध और बेकरी से बने पदार्थ दूर दूर तक के बाज़ारों और ग्राहकों तक थोड़े ही समय में पहुंचा दिए जाते हैं। माल को सुविधापूर्वक चढ़ाया उतारा जा सकता है। क्या इसमें सड़क परिवहन कम दूरी और अधिक दूरी तय करने वाला एक साधन है क्या, जो ये सड़क पर चलने वाले है तेज़ी से दौड़ते हैं, जैसे बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, जो भी है। यह कच्चे माल को सीधे क्या, कारखाने के दरवाजे तक और तैयार किए हुए माल को भी सीधा बाजार तक पहुंचा दिए जाते हैं। ताज़े फल, सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ जो भी है, बेकरी से बने पदार्थ दूर दूर तक बाज़ारों और ग्राहकों तक थोड़े ही समय में ये पहुंचा दिए जाते हैं। माल को सुविधा पूर्वक चढ़ाया उतारा जा सकता है। सड़क द्वारा मूल आवश्यकताओं के सामान को दूसरे के सभी भागों की छोटे गांवों, पर्वतों, रेतीलों, दलदली और बर्फ़ से ढके भाग तक के ले जाया जा सकता है। सड़क छोटे स्थानों को बड़े स्थानों तक तथा दूसरे एक दूसरे से जोड़ती है। क्या ये सड़क परिवहन है जो क्या है, छोटे स्थान से लेकर बड़े स्थान तक ये एक दूसरे सड़कें जो है छोटे स्थान को लेकर बड़े स्थानों तक ये एक दूसरे से जोड़ती है। अधिकतर गांव कच्ची सड़कों से जुड़े हैं। क्या है ये गांव जो है वहाँ कच्ची सड़कें होती है, ये क्या है, कच्ची सड़कों से जुड़े हुए होते हैं। ये सड़कें कम चौड़ी और बिना तारकोल की होती हैं। वर्षा में ये जहाँ तहाँ से टूट जाती है। जब बारिश आती है तो क्या होता है, ये हर जगह से टूट जाती है, क्योंकि ये सड़क कच्ची होती है इसीलिए।